लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में लखनऊ सीट पर मतदान 20 मई यानी कल होगा। इसको लेकर राजधानी लखनऊ में पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर पहुंच गई हैं और कल होने वाले मतदान को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। वहीं नगर निगम की ओर से मतदान केंद्रों पर साफ सफाई, फॉगिंग के साथ पीने के पानी की व्यवस्था, बैठने के इंतजाम, स्वास्थ्य परीक्षण, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर, भीषण गर्मी से राहत देने के लिए शरबत और ठंडा पानी के साथ पंखे और कूलर की व्यवस्था की जा रही है। वहीं आदर्श मतदान केंद्रों को गुब्बारों और रंग बिरंगे टेंट से भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। इसके अलावा इन मतदान केंद्रों पर सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर मतदान कर्मियों को हीट वेव से बचने के लिए हेल्थ किट भी उपलब्ध करवाया गया। साथ ही मतदाताओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसको लेकर भी जिला निर्वाचन आयोग की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम की ओर से हमारे यहाँ 3 आइडियल बूथ बने हैं। अवध डिग्री कॉलेज, ये जिसमें आप परिसर में खड़े हैं, लखनऊ मंटेश्वरी और ये वाला परिसर, तो 3 कुल मिला के 3 आदर्श बूथ बने हैं। यहाँ अवध माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा मतदान किया जाएगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी और आपके लखनऊ मंटेश्वरी में हमारे ब्रजेश पाठक जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा मतदान किया जाना है। मतदान के मद्देनजर कमिश्नर मैडम और नगरायुक्त महोदय के निर्देश के अनुसार हम सारा कार्य कर रहे हैं। नगर निगम सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कर रहा है, आदर्श बूथ बना रहा है, जिसमें बाथरूम सफाई धुलाई और प्रांगण की सफाई धुलाई, डस्टबिन लगाना, फूल गुब्बारे, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सारी प्रोवाइड करा रहा है। और हर मतदान पे केंद्र पे हमारी तरफ से, नगर निगम की तरफ से फॉगिंग कराई जा रही है और बहुत अच्छे भीषण, हाँ यस, मैं इसके संदर्भ में आपको अवगत करा दूं कि सभी जगह पंखे लगाए गए, कूलर लगाए गए और सब व्यवस्थाएं उचित की जा रही हैं। पानी भरवाया जा रहा है, जहाँ से पार्टी अभी रवाना हुई थी रमाबाई मैदान से, वहाँ पे भी इसी तरह की व्यवस्थाएं थी। तो पूरी कोशिश की जा रही है कि मतदान कर्मी जो भी इतने भी अधिकारी कर्मचारी लगे हैं उनको सारी सुविधाएँ मिले, उन्हें गर्मी से राहत मिले। और इसी परिप्रेक्ष्य में शरबत पिलाया जाएगा, पानी के बूथ बनाए गए हैं, ड्रिंकिंग वाटर रखा गया है, ऐसी कोई दिक्कत आने नहीं पाएगी। हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे नगरायुक्त सब हर बूथ स्पेशली चेक कर रहे हैं, कमिश्नर मैडम स्वयं निरीक्षण कर रही हैं, हर बूथ पर जा रही हैं, जो भी छोटी छोटी कमियां रह रही हैं उनको तत्काल निर्देशित करके हम लोग सारे जगह लगे हुए हैं। हमारे कर्मचारी डिप्यूट हैं, आज की पाली में भी लगे हैं, कल की पाली में भी हमारे कर्मचारी लगे हैं, दोनों पालियों में कर्मचारी लगाकर सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई गई।